हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। यह अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अप्लस की तरफ से। अप्लस हायरिंग कर रही है गूगल एड एक्सपर्ट की पोस्ट के लिए एज वर्क फ्रॉम होम जॉब। इसका हायरिंग ऑफिस जो है अप्लस का बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया में है, बट दिस इज़ वर्क फ्रॉम होम जॉब। ठीक है, तो अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा हुआ है, सैलरी कितनी रहने वाली है, ठीक है, और बाकी के डिटेल्स जो भी है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अबाउट अप्लस, अप्लस को आप काफ़ी आज की डेट पे काफ़ी फेमस कंपनी है, बाकी आप इसको चेकआउट करना चाहो कर सकते हो। लिंक्डइन पे इसके 10 लाख से अबव फॉलोअर्स हैं। ये मैं दूसरे पेज पर हूँ इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, जो लिंक्डइन का होम पेज है उस पर आपको दिख जाएंगे इसके फॉलोअर्स। ठीक है, अबाउट अपलर्स मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अवर गोल इज़ टू मेक हायरिंग रिलायबल, सिंपल एंड फास्ट। अवर रोल विल बी टू हेल्प ऑल अवर टैलेंट्स फाइंड एंड अप्लाई फॉर रेलिवेंट परमानेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोग्रेस इन द करियर। वी विल सपोर्ट एनी ग्रीवेंसेस और चैलेंजेस यू मे फेस ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। यू विल ऑल्सो बी असाइन टू अ डेडिकेटेड टैलेंट सक्सेस कोच ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। तो यहाँ पे हालांकि इन्होंने सिर्फ ये बता रखा है कि आपको ये सपोर्ट देंगे, यहाँ पे इन्होंने अपलर्स के बारे में कंपनी क्या है ये डिटेल्स नहीं दे रखी है। ठीक है, तो कंपनी की डिटेल्स भी आप जा करके इसके मेन वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं सीधे आपकी प्रोफाइल के बारे में बात करती हूँ। ओके, तो प्रोफाइल में यदि क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की यदि बात किया जाए, तो एक्सपीरियंस इन्होंने 4+ ईयर्स मांगा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप 4+ ईयर्स एक्सपीरियंस से सोच रहे हो कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन उसी हिसाब से सैलरी भी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, सैलरी यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ रहने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, एक्सपेक्टेड नोटिस पीरियड है 2 to 4 वीक्स, यानी कि 2 से 4 हफ्ते में आपकी जॉइनिंग होनी है। तो ये भी नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं रिवर्ट नहीं आता है, तो अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, तो जो भी होना है वो जल्दी हो जाएगा, महीने भर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट आपकी वही शिफ्ट रहने वाली है जैसे इंडिया टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, रिमोट जॉब है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग सर्च करते हैं कि कोई अच्छी प्रोफाइल हो, अच्छी अर्निंग हो, 1 लाख अबव हो और रिमोट जॉब हो। ठीक है, आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की है कि रिमोट जॉब हो, कोई बाहर की कंपनी के लिए आप काम करो और 1 लाख से ऊपर की सैलरी हो, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छी है। बस इन्होंने थोड़ा एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तब तो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, देखिए कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स अप्लाई करते हैं ना, तो उनका भी वो असेसमेंट वगैरह ले लेते हैं। तो देखा, आप फ्रेशर भी हो या किसी और फील्ड में एक्सपीरियंस हो, तो भी आप, मैं कहूँगी आप अप्लाई कर दो। ये भी हो सकता है कि जो फ्रेशर हैं उनको थोड़ा और कम सैलरी में रख लेते हों, जैसे कि यहाँ पे 1.5 से 2 लाख है, तो सपोज़ कि ये फ्रेशर्स को आप 50,000 में अपॉइंट कर लें ना, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बहुत सी जगह एक्सपीरियंस दिया रहता है। क्योंकि देखिए ये जो एड निकालते हैं वो डायरेक्ट, ये कोई इनके मैंने वेबसाइट पे तो हूँ नहीं, ये जो है ये खुद जो है लिंक्डइन है, तो ये लोग बहुत सी सारी चीज़ें जो है कुछ अपने अकॉर्डिंगली भी डाल देते हैं, या उतना उतना नहीं समझ भी पाते हैं कंपनी की रिक्वायरमेंट। तो इस वजह से अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो मांगा गया वो 4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा, यानी एक्सपीरियंस कैंडिडेट की यहाँ पे हायरिंग हो रही। ठीक है, अब चलिए मैं बता देती हूँ कि क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस किस फील्ड में मांगा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब आपकी जो जॉब रहने वाली है परमानेंट रिमोट जॉब रहने वाली है। ठीक है, अब आ जाते हैं, व्हाट डू यू नीड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। प्राइमरी स्किल्स क्या रहने वाली है, क्लाइंट कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, MS Excel। तो देखिए यहाँ पे अगर स्किल्स की बात किया जाए तो बहुत ही सिंपल और नॉर्मल से स्किल्स मांगी हुई है। ठीक है, तो 4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतनी सिंपल स्किल के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ पे अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस हो किसी को, तो भी वो अच्छे से काम कर सकता है, इवन 6 महीने का भी होगा तो भी वो कर लेगा। क्योंकि स्किल्स क्या है, क्लाइंट कम्युनिकेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन वगैरह नई ही फील्ड है। ठीक है,
तो अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको थोड़ी जानकारी है तो वो रख लेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बिंग है, ये बिंग क्या है आप चेकआउट कर लेना, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एंड ये सब थोड़ा सा है कि इसकी स्किल होनी चाहिए, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कि एडवर्टाइजिंग को कैसे डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज पे आपने देखा होगा, ठीक है, एड वगैरह देते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही हो सकता है। और गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, एमएस एक्सेल, तो एक्सेल आपका वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही एक्सेल आ गया, अलग से देने की ज़रूरत नहीं है इनको, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एड्स है, और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, अगर इस पे आपने थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। अब जाते हैं असेसमेंट, रोल बेस्ड AI स्क्रीनिंग कवरिंग कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल, ठीक है। तो आपका इस पर असेसमेंट होगा, ठीक है, तो आप वहीं पे शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, जो इन्होंने एक्सपीरियंस कैंडिडेट कह रखा है, तो जो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, यहीं पे यहाँ पे ही आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। असेसमेंट में क्या है, रोल बेस्ड AI स्क्रीनिंग कवरिंग कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल, ठीक है। तो AI बेस्ड, सॉरी, रोल बेस्ड AI स्क्रीनिंग, ठीक है, तो आपकी AI स्क्रीनिंग होगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग, यानी कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ह्यूमन बेस्ड स्क्रीनिंग को, यानी कोई HR ही आपको असेस करे। जैसे आजकल असेसमेंट चलता है कि ऑटोमेटिकली, मतलब आप असेसमेंट देते हो, ऑप्शन जो भी ऑप्शन वगैरह है उस पर आप क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली वो चेकआउट कर लेता है ना कि आपका, चाहे वो वीडियो ही हो, चाहे वो आपकी ऑडियो हो या वीडियो हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, AI उसको अपने तरीके से वो बहुत ही क्विकली रिजल्ट आपको दे देता है। तो अगर आपने पहले कहीं इस तरह से अप्लाई किया, रिवर्ट आया है आपको इस तरह से कि AI स्क्रीनिंग का, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, नहीं होगा तो नहीं किया है आपने, तो भी मैं बता दूं कि आजकल AI ही स्क्रीनिंग कर रही है बहुत सी जगह पे, ठीक है, जो भी एडवांस्ड हो गई हैं कंपनीज, वहाँ AI स्क्रीनिंग हो रही है। AI, आप चाहे आप आपका वो वीडियो असेसमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो आपने इंट्रोडक्शन ही अपना या इंटरव्यू ही क्यों ना दे रखा हो, या सवालों के जवाब ही क्यों ना आपने ऑडियो में दे रखे हो, वो सब AI से चेकआउट हो जाते हैं, ठीक है। तो वही ये कहना है कि AI स्क्रीनिंग होगी कवरिंग कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल। तो देखिए, टेक्निकल में भी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल मांगा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन का जिक्र उन्होंने नहीं कर रखा है। और कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो बहुत कॉमन स्किल है जो किसी भी जॉब में मांगी जाती है। तो ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिए, अगर आप एक्सपीरियंस हो बहुत ही अच्छा है, फ्रेशर हो, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अवर हायरिंग पार्टनर इज लुकिंग फॉर गूगल एड्स एक्सपर्ट, वो इज़ पैशनेट अबाउट देयर वर्क, ईगर टू लर्न एंड ग्रो, एंड वो इज़ कमिटेड टू डिलीवरिंग एक्सेप्शनल रिजल्ट। इफ यू आर अ टीम प्लेयर विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ डिज़ायर टू मेक अ डिफरेंस, देन वी वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम यू। तो देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं दे रखा है प्रोफाइल के बारे में, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, 4+ ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने भले बात कह रखी है, लेकिन कुछ भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स में कुछ भी इतना टफ नहीं दिया जा रहा है कि कोई फ्रेशर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे है, यू विल आल्सो बी एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव अवर गूगल एड्स अकाउंट्स एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन अवर इन्वेस्टमेंट। तो एडवर्टाइजिंग का काम आपका रहने वाला है, जैसे गूगल एड्स, ठीक है, जो एड्स होते हैं, एड्स और एडवर्टाइजिंग, उसी से रिलेटेड आपका वर्क ये रहने वाला है, ठीक है। मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गूगल एड कैंपेंस इंक्लूडिंग हाउ टू डू रिपोर्टिंग एंड लॉन्च कैंपेंस, एक्सपीरियंस विद अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रेटजी बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग पेन पॉइंट एंड ड्राइविंग बेस्ट प्रैक्टिसेस अराउंड, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन गूगल सर्च, अकाउंट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटजी, एक्सपर्टीज टू एलिबरेट द सीनेरियो, वर्कड ऑन डिफरेंट कैंपेन्स प्रोफेशनली विथ प्रोज एंड कॉन्स एज पर द यूज केसेस, कंसिडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कैंपेन इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि
Elaborate the scenario worked on different campaigns professionally with pros and cons as per the use case considering different aspect of the campaigns industry. ठीक है, तो different aspects of campaign. ठीक है, तो ये आपको अलग अलग campaigns के ऊपर आपको काम करना रहेगा. जैसे ही industry की need होती है, ठीक है, उसी के accordingly आपको campaigns मिलेंगे. ठीक है, उसी पर आपको जो भी वर्क करना है आपको बताया जाएगा. ठीक है, अभी मैं ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुछ क्लियर इन्होंने नहीं दे रखा है. ठीक है, क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज एड कैंपेन्स एंड पेड सर्च लैंडिंग पेजेस. ठीक है, तो सर्च लैंडिंग पेजेस मतलब कि जब हम लोग सर्च करते हैं कोई चीज़ तो जो पेजेस आते हैं उन्हीं की बात हो रही है. ठीक है, तो क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज एड कैंपेन्स एंड पेड सर्च लैंडिंग पेजेस. ठीक है, तो ये आपको क्रिएट करना होगा. ठीक है, ओके. अब जाते हैं एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज एड कैंपेन्स टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. यूज गूगल एड्स टू ड्राइव अ वैरायटी ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स. ठीक है, अब ये एक लाइन जो है बस एक यही है जो पूरे इतनी सारी चीज़ों का सार है कि यूज गूगल एड्स टू ड्राइव अ वैरायटी ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स. ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए गूगल एड को यूज़ करना है. ठीक, गूगल एड्स. ठीक है, इसको यूज़ करना है किसके लिए? ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए. यही आपका मेन वर्क रहने वाला है. ठीक है, गूगल एड्स के बारे में आप जानते हुए, गूगल एड्स, गूगल एडसेंस नहीं जानते तो आप देख लेना, चेकआउट कर लेना. ठीक है, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज पे पर क्लिक कैंपेन्स टू इंक्रीज ROI. मैनेज एंड ऑप्टिमाइज डिस्प्ले कैंपेन्स अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस. डेवलप PPC स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड कोलेबरेट विद अ टीम ऑफ मार्केटर्स, गूगल एड्स स्पेशलिस्ट एंड इंजीनियर्स. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एड्स टूल्स लाइक SEMrush. ठीक है, तो एड्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है. ठीक है, 4+ ईयर्स इन्होंने एक्सपीरियंस दे रखा है. ठीक है, और 4+ ईयर्स नहीं भी है तो भी आप जितना मतलब प्रोफाइल देख करके और जो भी वर्क देख करके लग रहा है आपको एड्स से रिलेटेड जानकारी भी होनी चाहिए. आपने एड्स क्रिएशन का काम भी किया होना चाहिए. ये जो टूल्स वगैरह बता रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए. ठीक है, अब आ जाते हैं सैलरी डिस्कशन. द फाइनल ऑफर विल गेट रिलीज्ड बेस्ड ऑन योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, इंटरव्यू परफॉर्मेंस एंड करेंट CTC. मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि ये इन्होंने अपनी नीट के अकॉर्डिंगली डाल दिया है कि ये 1.5 से 2 लाख सैलरी दे सकते हैं और आपकी जो एक्सपीरियंस है वो 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, बट जैसा यहाँ पे कह रहे हैं कि द फाइनल ऑफर विल गेट रिलीज्ड बेस्ड ऑन योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे वो आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस एंड करंट CTC. तो करंट CTC मतलब आप अभी कितना अर्न कर रहे हो, आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसी है और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे ये फाइनल सैलरी डिसाइड करेंगे. दैट्स वाई मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने 4 ईयर्स दे रखा एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आपको कम भी एक्सपीरियंस, अगर आपको 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है, 6 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस, तो भी अप्लाई कर दो बिकॉज ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी सैलरी कम भी दे सकते हैं. आपको 50,000 में भी अपॉइंट कर सकते हैं. तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं तो 50,000 भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सैलरी है. ठीक है, 50,000 या 40,000, 30,000 भी, ऐसे सारी चीज़ें ही, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस, तो सब ये भी अपने आप में काफ़ी सैलरी. ठीक है, अगर आप बस 4+ ईयर्स एक्सपीरियंस सैलरी है तब 4+ ईयर्स एक्सपीरियंस, तो आप 1.5 से 2 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर आप फ्रेशर हो और आपको 30,000 में भी अगर ये अपॉइंट कर लेते हैं तो भी आपकी काफ़ी लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी. ठीक है, अब जाते हैं स्टैंडर्ड इन द मार्केट. 30% to 40% हाइक ऑन योर करेंट CTC. हाउएवर यू कैन ऑलवेज निगोशिएट द ऑफर विद द क्लाइंट डायरेक्टली. ठीक है,
तो देखिए, इनके कहने का मतलब कि आप करेंटली जो भी वर्क कर रहे हो, जितनी भी आपकी अर्निंग है, उसमें आपको 30-40% हाइक देंगे आपको सैलरी में, ठीक है। सपोज कि अभी आप कहीं काम कर रहे हो 40,000 में, ठीक है, तो उसका आप 30% यानी कि करीब 12,000 रुपये उसमें आप और ऐड कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि 40,000 है तो आपको 52 मिल सकता है, ठीक है। तो करंट जो भी आपकी सैलरी है उससे 30-40% आपको हाइक मिलेगा। अगर आप और ज़्यादा अर्न कर रहे हो, सपोज़ कि आप 50,000 अर्न कर रहे हो या 1 लाख अर्न कर रहे हो, तो उस हिसाब से उस आपकी सैलरी और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर दो, एक्सपीरियंस्ड हो तो भी आप अप्लाई कर दो, आपको उसी हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली सैलरी मिलेगी, ठीक है। ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू अपलर्स। अ डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिटेड टू द क्लाइंट कंपनी विल नॉट बी कंसिडर्ड। वी अप्रिशिएट योर कोऑपरेशन इन एडिंग टू दिस प्रोसेस। ओके, अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो बात कह रखी है कि अपलर्स की वेबसाइट पर आप डायरेक्ट अप्लाई करो, और इन्होंने लग रहा है क्लाइंट कंपनी विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे जो इन्होंने अप्लाई लिंक दे रखा है, ठीक है, ये क्लाइंट कंपनी का नहीं है, ये आपका अपलर्स के ही तरफ से है, ठीक है। क्लाइंट कंपनीज तो वो कंपनीज होती है जिनके लिए काम करते हैं, जिनके लिए ये हायरिंग करते हैं, ठीक है। तो इनके कहने का वो मतलब है कि जो कंपनी जो हायर कर रही है उसमें आप जाके अप्लाई मत करो, बल्कि आप अपलर्स में अप्लाई करो। तो अपलर्स का ही ऐड है और आपको यहीं से अप्लाई करना है, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया आपका। अब जाते हैं हैविंग अ पोर्टफोलियो एंड अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है। तो आपके पास एक, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक पोर्टफोलियो होगा, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होगा, तो ये सारी चीज़ें आप वो देख सकते हैं एज अ सैम्पल, ठीक है, कि आप अपने काम का सैम्पल दिखाओ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा कि आपसे वो कुछ सैंपल मांग सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दे रखी है कि आपको रजिस्टर करना है और लॉग इन ऑन आवर पोर्टल एंड फिल आउट द एप्लीकेशन, क्लियर द गिवन AI स्क्रीनिंग। जैसे मैंने बताया 30 मिनट की स्क्रीनिंग होगी जो कि AI टूल आपका असेसमेंट कर देगी, ठीक है। अब जाते हैं क्लिक ऑन अप्लाई टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। आवर टीम ऑफ टैलेंट मैच मेकर्स विल मैच मेक यू विद द क्लाइंट, ठीक है। तो उसके बाद जो होंगे इनके HR जो होंगे वो आपको क्लाइंट से कॉन्टेक्ट करा देंगे। क्रैक अ क्विक इंटरव्यू विद अवर क्लाइंट, फिर फाइनली आप क्लाइंट के साथ एक इंटरव्यू दोगे एंड लैंड अवर ग्लोबल ड्रीम, लैंड योर ग्लोबल ड्रीम जॉब एंड गेट योर एक्साइटिंग करियर स्टार्टेड, ठीक है। तो पहले इनका AI बेस्ड असेसमेंट आपको देना है, उसके बाद आपका जो इनकी क्लाइंट कंपनी जिसके लिए ये हायरिंग कर रहे हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। मैंने काफ़ी इलेबोरेट करके आपको बता दी है चीज़ें। क्वालिफिकेशन में इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है, एक्सपीरियंस की बात इन्होंने कह रखी है। अगर आप इंटर पास भी हो और आपको ये डिजिटल एड क्रिएशन का इस तरह का आपको कुछ एक्सपीरियंस है, कॉपी राइटिंग वगैरह का है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि सैलरी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, फ्रेशर हो, तो भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।